नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा मऊगंज जिले के 8 विधानसभाओं में 17 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। यहां प्रत्येक मतदाता को वोटिंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मतदान कराया जा सके। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में 4 नवंबर को धर्मगुरुओं और धार्मिक स्थलों के प्रमुखों के साथ बैठक की गई। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि सभी धर्मगुरु अपने अनुयायी से मतदान की अपील करें। स्पेशल जज पीसी एक्ट सतना अनुराग द्विवेदी ने जनपद पंचायत अमरपाटन की ग्राम पंचायत झिन्ना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा में हुए 4,52,634 रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन सरपंच सचिव, सहायक इंजीनियर, सब इंजीनियर और बैंक मैनेजर को दोषी करार दिया है। जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र में एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के कलेक्शन एजेंट के साथ 4 बदमाशों ने रास्ते में रोककर मारपीट की और 96,000 रुपए से अधिक की नकदी लूट ली। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को वारदात के 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी अभी फरार हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला सह मीडिया प्रभारी विवेक पांडे छोटू ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 नवंबर 2023 को रीवा जिले के प्रवास पर रहेंगे, जिस दौरान वे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर त्योंथर, सिमरिया, रीवा एवं गुड़ विधानसभा में जनसभा के माध्यम से सभाओं को संबोधित करेंगे तथा सभा के माध्यम से जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। उज्जैन के पवांसा थाना क्षेत्र में इनामी बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हो गया। हमला आरोपी की बहन और मां ने किया। शनिवार रात को हुई इस घटना में पुलिस ने सख्ती से कार्यवाही कर तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज किया है। जबलपुर में बीते दिन गोरखपुर के जॉर्ज डिसिल्वा वार्ड में रहने वाले संजय मिश्रा उर्फ संजू की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को जबलपुर पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी से वारदात में प्रयुक्त हथियार और चाकू को भी बरामद कर लिया है। आरोपी ने संजू की हत्या प्रॉपर्टी विवाद को लेकर की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को सीधी जिले की धौहनी विधानसभा सीट चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की योजनाओं को देखकर कांग्रेस बौखला गई है। कमलनाथ सरकार ने योजनाओं को बंद करने का काम किया था। कांग्रेस की सरकार बनी तो घरों के चूल्हे नहीं जलेंगे, बच्चों को भूखा मार देंगे, 5 साल में कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल रविवार को इंदौर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की बड़ी जीत निश्चित है। डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश में फिर से बनेगी। मैंने आज सुबह इंदौर की सीटों की स्टडी की है। यहाँ पिछली बार हमारी 5 सीटें थीं। इस बार पूरे संभाग में भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है। गठबंधन से पीछे हटने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। बालाघाट जिले की कटंकी सीट से समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार महेश सहारे ने शनिवार 4 नवंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ले ली। समाजवादी पार्टी के बालाघाट जिले के अध्यक्ष महेश सहारे अब चुनाव मैदान से भी हट गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव प्रचार के लिए पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कांग्रेस को चालू पार्टी की संज्ञा दे डाली। दरअसल विधानसभा में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। उसके बाद से अखिलेश कांग्रेस पर हमलावर हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।